हेलो प्रोस, दिस इज गेमर थाटेक। तो आज हम एक हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जो क्या है सुपर नेचुरल। तो मुझे ना एक घर से कॉल आई थी क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूँ एंड मैं हमेशा इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूँ। मुझे ना कोई बंदा कॉल कर रहा था, कह रहा था कि तुम मेरे घर पे आओ एंड तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो एंड ये ना एक हॉरर गेम है तो उस घर के अंदर ना कुछ पैरानॉर्मल होगा। एंड यस, मैं इस गेम के अंदर ना इस माइक का भी यूज करने वाला हूँ, मतलब कि जो भी एंटिटी उस घर के अंदर होगी ना वो मुझसे बात कर पाएगी। तो स्वागत है आपका सुपर नेचुरल में। तो मैं फिलहाल उस घर के अंदर पहुंच गया हूं जहां से मुझे कॉल आई थी। ये बेसिकली एक लड़का है, तो कोई केस है, साकामोटा केस। ओके, तो इसके घर में कुछ हो रहा है, कोई खराटे मार रहा है। ये कह रहा है ना कि मेरे घर के अंदर ना रात के अंदर कुछ होता है, सुसैन कोई है। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। तो कोई लड़की शायद गायब हो गई है, सुजैन शायद, वो एक हफ्ते से गायब है। यस, मैं देख लूंगा क्योंकि मेरा काम ही है ये सब करना। एंड ये कह रहा है कि वो अजीब सी नॉइजेस निकालती है, जैसे कभी सीटी बजाती है, कभी डराती है। तो आज हमें मिसेस सुजैन को ढूंढना है। अब एक खतरनाक सी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है। तो मैं फिलहाल टेबल से उठ गया। बाय द वे, कोई सीटियां मार रहा है, लेकिन एक सेकेंड, बाहर ना बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही है। अरे बाप रे यार, तूफान आ रहा है शायद बाहर से, लेकिन मैं घर के अंदर सेफ हूँ। एंड ओ, यहाँ पर कुत्ता है। मैं भी सोचू ना ये खर्राटे कौन मार रहा है। अबे उठ कुत्ते। तो ये एक प्यारा सा किचन है, तो मैं सबसे पहले ना इस घर की लाइट्स ऑन करता हूँ क्योंकि इस घर के अंदर ना बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। लेकिन मेरे को ना वो स्विच बोर्ड नहीं दिख रहा है। एक मिनट, हाँ मेरे पास भी एक फ्लैश लाइट है, स्विच बोर्ड कहाँ पर है। बट इस घर के अंदर ना अजीब सी नॉइजेस आ रही है, पता नहीं ये है क्या, छोटा सा स्टोर है। नहीं, यहाँ से बाहर आता हूँ पहले। एंड इसके अंदर क्या, थोड़ी बहुत ना गेम लैग कर रही है। तो ये वॉशरूम है, समझ गया, संडास है, संडास तो खा लिया। बाहर आता हूँ, स्विच कहाँ पर है। मैं पहले पूरे घर को ना उजाला कर दूंगा। वेट, मुझे एक स्विच मिल गया, डन। ऑन करता हूँ यहाँ से, डन, मैंने स्विच ऑन कर दिया। एंड यहाँ से ना सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, तो पहले ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैं फिर ऊपर से ही ना नीचे आऊंगा। एंड एक मास्क है, पहले अपनी राइट की ओर जाता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ, डन। एक छोटी सी गली है, ये दरवाजा बंद है, लाइट तो वैसे यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये गली शायद अंधेरे में ही डूबी रहती है। ओ वाओ, ये किसी का बेडरूम है, ठीक है, डन। मे बी ये सुजिन का बेडरूम हो। एंड यहाँ पर एक टॉय का डिब्बा है, डन। कुछ पेंटिंग्स लगी है, ये क्या है, यहाँ पर कुछ पोस्टर्स है, क्लू मिलने वाला है। Probably the client's fiance. तो किसी के पेट में बच्चा था, ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है, समझ गया। एंड यहाँ पर भी ना कुछ है, मैं इस पे एक नजर डाल देता हूँ। मतलब कि ये जो दोनों अल्ट्रासाउंड्स है ना, ये सेम पेशेंट के। बट वेट, मैंने लाइट बंद नहीं की, बट ऐसा लगा ना किसी ने लाइट बंद कर दी। मैंने नहीं की, मैं फिर से ऑन करता हूँ। यार कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, मैंने लाइट ऑन कर दी। ओके, पहले बाहर आता हूँ। वेट, ये दरवाजा किसने खोला? ओ वाओ, ये भी एक छोटा सा कमरा है। एंड वहां से वो लाइट ब्लिंक कर रही है, कौन है भाई यहाँ से? नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी ना वो टॉय है, पता नहीं ये टॉय क्या है। एक सेकेंड, कोई चिल्ला रहा है, अजीब सी आवाज निकाल रहा है। कोई नहीं है, कौन? मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मतलब मैं एक डिटेक्टिव हूँ, ये सब मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। ओके, यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हैं। तू है कहाँ से? वो अजीब सी आवाजें निकाल रही है, ऐसा लग रहा है ना कि कोई जिन है या कोई भूत है, मेरे को नहीं पता। ओ वेट, ये दरवाजे पता नहीं कैसे खुद ब खुद खुल गए। ये भी शायद बंद था पहले, पता नहीं ये कैसे खुला। ठीक है, डन। ओके, समझ गया। तो शायद ना इस घर के अंदर कोई बच्चा रहता था। एंड ये टॉय यहाँ पर भी है, इसमें कुछ तो है, कुछ तो है। इस पे एक नंबर लिखा है, 4, पता नहीं इसका मतलब क्या है। बट वेट, इस पे कुछ बना है, कुछ तारे जैसे बने हैं इस पे, वेयर सिंबल। ओके, डन। ऐसा भी हो सकता है कि ये केस के रिलेट कुछ हो, अभी तो मेरे को कुछ नहीं पता। पहले बाहर आता हूँ। इस घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, घर तो बड़ा है बट कोई भी नहीं है, लेकिन कोई चिल्ला रहा था। ओके, मैंने कहीं पर कुछ देखा था, यहाँ पर एक लैपटॉप है, समझ गया। एंड ये एक स्टडी रूम है। दरवाजा बंद करता हूँ। दरवाजा कैसे बंद होता है? थोड़ा ना अजीब तरीके से, बाहर बिजली कड़क रही है, डरने का नहीं है। एक लैपटॉप भी है। नॉट नाउ, क्यों? मेरे को लैपटॉप नहीं चलाना है क्या? थोड़ा अजीब है यार खोलने में, ये खुल ही नहीं रहा है सीधे। इसको पहले खोल लेता हूँ। बट मेरे हिसाब से ना मैंने सेकंड फ्लोर सारा देख लिया। बट यहाँ पर
मुझे कुछ खास नहीं दिखा, बट वेट कहीं से कुछ नॉइज आ रही है। पहले यहाँ की ओर जाता हूँ, मे बी कुछ हो। नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ है। अच्छा, अब यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है क्या? जो भी एंटिटी इस घर के अंदर है ना, वो मेरे को इशारा दे रही है, बट मुझे ये इशारे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, बस वो चिल्ला रही है। वेट, ओके, डन। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं, कुछ नहीं है, मैंने पहले ही प्रॉपर चेक किया था ना। बाहर आता हूँ, कुछ भी नहीं है यार। एंड ऊपर से जो मेरी टॉर्च है ना, ये भी ब्लिंक कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ही जल्द ना बैठने वाली है, ये मेरा उतना साथ नहीं देने वाली है। मैं लाइट ऑन करता हूँ ना, कोई बंद करता है। मैं नहीं करता हूँ बंद, ये खुद ब खुद हो जाता है। कोई नॉक कर रहा है कहीं से, कोई भी नहीं है। फिर मैं जाऊं कहाँ? सब कुछ तो देख लिया मैंने, सेकंड फ्लोर मैंने देख लिया, बट फिर भी मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ और है, कुछ किताबें पड़ी है। आई कैन रिलेट। अब यूज कर सकता हूँ क्या? करना क्या है फिर? ठीक है, पहले वही करता हूँ जो मुझे करना है, बट मेरे को अभी नहीं पता कि मेरे को करना क्या है। नीचे भी कुछ पड़ा है। वेट, कुछ नॉइज आ रही है बैकग्राउंड से। कौन है बे? किसी ने कोई दरवाजा खोल दिया, मेरे को नहीं पता, बस मुझे थोड़ी सी आवाज आ गई दरवाजा खोलने की, उसके बाद मेरे को नहीं पता ये बंद है। अब मैं करूं क्या? पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूं, मे बी मुझे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ मिल जाए। अबे कौन लाइट बंद करता है यार, कितना अजीब है। ठीक है, वेट, लाइट कोई बंद कर रहा है, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अब इसका स्विच कहाँ पर है? ठीक है, डन। देखो मैंने संडास की लाइट्स ऑन कर दी ना, बट व्हाट, वेट, लाइट्स कहाँ चली गई? ठीक है, डन, लाइट आ गई, बहुत ही बढ़िया। जो भी इस घर के अंदर है ना, उसको लाइट से डर लग रहा है, इतना मेरे को समझ आ गया। कुत्ता भी सो रहा है। अब तू कैसी रक्षा करेगा मेरी? कुछ बर्तन है सिंक के अंदर। बर्तन बिना धोए ही ना सिंक के अंदर है। फिर से किसी ने लाइट बंद कर दी, भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी तो इन्वेस्टिगेशन। ऊपर से फिर से चिल्लाने की आवाजें आ रही है, कोई रो रहा है। कौन है बे? वेट, बेबी रूम से कुछ आवाजें आ रही है, वो हर तरफ है। नहीं, यहां से नहीं है। फिर है कहां तू? नहीं, कुछ लाइट्स फिर से ब्लिंक कर रही है। हो क्या रहा है? लगता है बल्ब भी खराब हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे पीछे तो नहीं है ना? नहीं, पीछे भी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है। यहाँ पर मैंने सारा देख लिया क्या? ये एलियन बच्चा है कुछ यहाँ पर, रुको, इस पे ज़ूम करता हूँ। ओके, उनके पास एक बच्चा भी था, मतलब कि जो इस घर के अंदर रहते हैं। अब किसी और रूम के अंदर ना शायद लाइट ब्लिंक कर रही है। ओह, कौन है बे यहाँ पर? हेलो, कैन यू हियर मी? कांट यूज वॉइस रिकॉग्निशन फ्यूचर एट दिस मोमेंट। ठीक है, डन। मैं अभी ना माइक का यूज नहीं करूंगा, शायद बात में हो। क्या हो रहा है तेरे को? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। रुको, बंद ही करता हूँ। डन, मैंने बंद कर दिया। अब फिर से ऑन करता हूँ। ओके, लाइट वापस आ गई। कुछ किताबें पड़ी है खिड़कियों पे, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं गड़बड़ कहाँ पर कर रहा हूँ? एंड लिटरली अब पूरा घर बिना लाइट्स के। यहाँ पर एक टेलीफोन है, किसी को कॉल कर दी, तो बैंक से कॉल है। तो ये जिस प्रॉपर्टी के अंदर रहता है ना, शायद से इसने वो बिल नहीं भरी है, तो भूत को बताएंगे, वही भर देगा बिल, क्योंकि वही तो यहाँ पर रहता है। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मेरा मूड खराब कर दिया। तो इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी ना, वो खराब थी। लुक अप, वहाँ पर आ रहा है लुक अप। ठीक है, डन। मेरे को ऊपर देखना है क्या? ओ वेट, वो कहीं गायब हो गया। अभी यहाँ पर लुक अप आ रहा था, ऊपर कोई है, एंड ये वही एंटिटी कर रही है। ओ क्या आ रहा है? एक पेंटिंग है यहाँ पर, ये ऐसी तो यहाँ पर नहीं होगी। ये शीशे कहाँ से टूट गए बे? ये शीशे तो ठीक थे ना पहले, ये कितना अजीब सा घर है। अरे भाई, मैं एक डिटेक्टिव था, मेरे को इन लोगों ने वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना दिया। मैं ये सब यहाँ करने के लिए नहीं आया था, पागल कर रहे हैं मेरे को। ओ वेट, वो चिल्ला रही है, तो कहना क्या चाहती है? तो सीधे सीधे बताना, मेरे को समझ आ जाएगा। मैं दौड़ मार लेता हूँ, मे बी इस बार वो मेरे को दिख जाए। नहीं, वो नीचे से चिल्ला रही है शायद। ओके, डन, वो नीचे गई है। ओ, वॉशरूम के अंदर है, आवाज यहीं से आ रही है। द ओनली ऑटो सेव हैज जस्ट ऑकर्ड। ठीक है, वो अभी इस संडास के अंदर थी, बट कोई नहीं है। ये क्या बद्दापन है, पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं से कुछ कॉल आ रही है, मेरे पास कोई फोन भी तो नहीं है ना, फिर कॉल कहाँ से आ रही है?
ओ वेट, इसके अंदर लैपटॉप था ना। अच्छा लैपटॉप के अंदर कुछ करना है मेरे को। कॉल कर रहा है मेरे को, ठीक है पासवर्ड है। अब मैं पासवर्ड क्या दूं? फॉरगॉट योर पासवर्ड करता हूँ। हे कीली, इफ यू फॉरगॉट योर कंप्यूटर पासवर्ड फॉर द 100th टाइम, ओह आई हैव स्कैटर्ड योर टॉय फिगर्स अराउंड द हाउस एंड आई हैव लेबल्ड द बॉक्सेस विद योर लॉगिन एंड पासवर्ड। फर्स्ट इज द किंसकी, देन द काउसकी, फॉलोड बाय द रैबिट्सकी, पेनल्टीमेट फॉर लॉगिन इन द शर्सकी। ओके समझ गया, तो इस घर के अंदर ना कुछ टॉयज है एंड उनका ये नाम है, तो उन पे शायद कोई नंबर है, तो मुझे वो नंबर ना यहाँ पर देना पड़ेगा एक सीक्वेंस में। तो मैंने यहाँ पर कुछ टॉयज देखे थे ना, शायद मुझे सारा काम ना उन्हीं से करना पड़ेगा। मैंने दो तीन टॉयज देखे थे, बट ये जो कॉल है ना ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है डन। ये क्या था, ये क्या था यार। ठीक है मैंने उसको देख लिया, उसने कुछ रेड कपड़े पहने थे, बट वेट वो अब शायद मेरा पीछा करने वाली है। मैं समझ गया, पहला टॉय ना यहाँ पर है, इस पे कौन सा नंबर है? नंबर 3 कैट्स की का मैंने फिलहाल नोट डाउन कर दिया। मे बी इस अलमेरा के अंदर कोई टॉय हो, ठीक है। ओ वेट यहाँ पर एक और टॉय है, काउस्की, एंड इस पे कौन सा नंबर है? मेरे को दिख ही नहीं रहा है। नंबर 9, ओके डन, नंबर 9 है इस पे। ठीक है मैंने फिलहाल दो देख लिए, अब इस कमरे के अंदर जाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर भी ना एक टॉय देखा था, वो यहाँ पर था। ठीक है डन। अरे पहले लाइट ऑन करता हूँ ना यार। रोबोट्स की, एंड इस पे है नंबर 4, डन। मैंने ये भी नोट डाउन कर दिया, बट वेट अभी दो कमरे है, ठीक है इनके अंदर भी ना कुछ होगा। ओ एक सेकंड, बेडरूम के अंदर भी मैंने यहाँ पर टॉय देखा था, डन। एंड ये कौन सा नंबर है इस पे? अरे कसम से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट ऑन करता हूँ, इस बूथी ने मेरे को परेशान कर दिया यार। रैबिट्स की, एंड इस पे नंबर है 2, ठीक है डन। मैंने बेडरूम का ये नोट कर लिया। बेडरूम से बाहर आता हूँ, मैं कितनी बार लाइट्स को बंद करूँ, कितनी बार मैं इनको ऑन करूँ, तो यहाँ पर भी ना एक वो टॉय था, बट पहले लाइट ऑन करता हूँ। एंड ये चिकन्स की, इस पे है नंबर 8, एंड जो नेक्स्ट टॉय था ना वो यहाँ से था, जहाँ से इनके बद्दे से कपड़े हैं। एंड ये कौन है? ये है, अबे दिख क्यों नहीं रहा मेरे को। ठीक है डन, यहाँ पर स्विच है इसका। कूल्स की, इस पे है नंबर 1। मैंने बेडरूम पूरा चेक कर लिया, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर बस यही दो टॉयज थे, एंड अभी ना वो लॉन्ड्री का कमरा बाकी है। वो What the hell was that? वो मेरा पीछा कर रही है। अरे मैं क्या कम डर गया था, तुम मुझे वो डरा रही हो, कुछ भी हो रहा है। ओके डन, यहाँ पर वो लॉन्ड्री रूम है, ठीक है डन। मे बी यहाँ पर कोई टॉय हो। ओके यहाँ पर भी एक टॉय है, शायद से मैंने ये देख लिया, बट वेट फिर से चेक करता हूँ। इसका नाम क्या है? शार्क्स की, एंड इस पे कौन सा नंबर है? अबे इस पे तो कोई नंबर ही नहीं है। ओ इस पे नंबर 6 है, थोड़ा छोटा लिखा है इन लोगों ने। नंबर 6 में नोट डाउन करता हूँ। 7 तो आ गए फिलहाल, मैंने शायद पूरा चेक किया, मेरे को नहीं पता। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, मे बी यहाँ पर भी कोई टॉय हो, एंड मुझे उसका नंबर भी नोट डाउन करना हो। संडास के अंदर मे बी कोई टॉय हो। ओके यहाँ पर एक टॉय है, इस पे कौन सा नंबर है? नंबर 0, फिश की, इस पे है नंबर 0। संडास मैंने देख लिया, मे बी बाहर कोई टॉय हो। अबे ढूंढने में डिफिकल्टी आ रही है, क्या करूं मैं। ओ वेट यहाँ पर एक और टॉय है, नंबर नहीं दिख रहा मेरे को। ये है क्लाउन्स की, ओ ये 5 है, समझ गया ये नंबर 5 है। नंबर 5 नाउ आ गए, एंड और है क्या? ओ वेट यहाँ पर एक और टॉय है। अबे कुत्ते हरामजादे मेरे को डरा रहा है तू। की, एंड इस पे नंबर 7 है। टोटल 10 आ गए, बाहर अभी भी हवा चल रही है। इसको ऑन करता हूँ, अब लाइट आ गई, डन। अब सीधे ऊपर जाता हूँ क्योंकि मुझे उस लैपटॉप में ना साइन इन करना है। मे बी अब मैं उस लैपटॉप पे साइन इन कर पाऊँ क्योंकि मेरे को पासवर्ड दिख गया ना। अब बैठ जाता हूँ एंड पासवर्ड दूंगा, तो साइन इन के लिए मुझे पहले देना पड़ेगा चिकन्स की, काउस की, रैबिट्स की। तो पहले आएगा 8, उसके बाद आएगा 9, रैबिट्स की का है 2, फिर आएगा शार्क्स की 6, एंड लास्ट में आएगा कैट्स की, उसका है नंबर 3। 89263 शायद यही हो, 89263, क्योंकि मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो पहले आएगा फिश की 0, उसके बाद आएगा टैडिस की 7, रोबोट्स की 4, कूल्स की 1, क्लाउन्स की 5। 07415, ओके डन, मैंने दे दिया एंड साइन इन करता हूँ, डन। ठीक है अब मैं ये बेला कोई कॉल कर रही है। Babe, is Kaylee home? ये कौन है? Cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey Bella. Yeah, Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah, just a bit tired. You know, it's been a hectic day. हाँ बहुत डरावना दिन था यार, पूछो ही मत। You sound like something's up. I was really hoping to come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan is missing. Mrs. Susan is missing? तो मिसेस सुजैन मिसिंग है ना, हम उसी को असल में ढूंढ रहे हैं, एंड हमें पता ही नहीं है वो है कहाँ पर। Real story. Look, it's just not a good night and I need to take it easy.
इसकी बीवी है शायद, ठीक है। अब मेरे को काम करने दे यार, मेरी फटी पड़ी है यहाँ पर। अरे जब घर आएगा ना फिर कर लेना क्या करना है। ओके डन। यहाँ पर कैमरास का ऑप्शन है एंड ये गूगल है क्या? ओ गिगल है, गिगल समझ। अबे गूगल रखना था यार, गिगल क्यों रखा है? ठीक है डन। तो ये कैमरास है, ये सेकंड वाला कैमरा है। ओके कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया। बट कहीं से ना कुत्ता उठ गया, शायद से मेरा कुत्ता नींद से उठ गया। बट वेट, वो चुड़ैल मेरे पीछे खड़ी है। एक सेकेंड, ओके निकल गई, मैं बैक करता हूँ। कहीं पर मेरा कुत्ता चिल्ला रहा है। ठीक है डन। पहले कुत्ते के, ओके डन, पीछे नहीं है। मैं तो कसम से डर ही गया था, कुत्ता कहाँ से चिल्ला रहा है बे। उसको कुछ तो मिल गया, पहले कुत्ते के पास जाता हूँ। है कहाँ पर? ओ वेट, कुत्ता यहाँ पर है। क्राउलर, क्राउलर, क्राउलर है कि बाउलर है? यू कैन यूज एन इंटरनेट ब्राउजर ऑन द कंप्यूटर टू सर्च फॉर टेक्स्ट क्लूज यू फाउंड। क्राउलर, CRAWLER। थैंक यू कुत्ते। तो इसको शायद मुझे सर्च करना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे। क्राउलर इसका मतलब क्या हो सकता है? तो पहले गूगल करता हूँ, मे बी मेरे को ये गिलगिल वैसे कुछ देगा। क्राउलर लिखा था इस पे, ये वही बूत नहीं कर रही है, ये बस मुझे वो हिंट दे रही है। ठीक है डन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्राउलर, CRAWLER, मे बी कुछ निकल जाए। Remembering Miss Susan Crowler, a tragic loss sparks a community's reflection on mental health. तो मैं पहले इसको पूरा पढ़ता हूँ। 15 जुलाई की बात है 2020। Mrs. Crowler थी ना, वो mentally ठीक नहीं थी, तो वो किसी hospital के अंदर ना admit थी, कुछ ऐसा ही इसमें लिखा है। लेकिन उसने अपनी ही जान ले ली। बट क्यों उसने अपनी जान क्यों ले ली? एंड जैसे ये पूरे टाउन के अंदर खबर फैल गई ना, तो सबों को दुख हुआ एंड मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। बट उसने ऐसा किया क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ओके, इसमें कुछ ऐसा ही लिखा था, फिलहाल मैंने शॉर्ट में पढ़ लिया, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर एक मिसेस क्राउलर रहती थी। वेट, कोई बाहर से चल रहा है, मेरे को चलने की आवाज आ रही है। यहां से कौन है? नहीं तो ओके डन। कोई है, कोई है, वो खा रही है कुछ। ये शीशा टूट रहा है क्या? बट वेट, मैं कुछ नहीं कर रहा। व्हाट द हेल, वो किसी की आंतियां खा रही है। क्या हो रहा है इसके साथ? ओ यहां मत आना, जा रही है अंदर, जा रही है वो। From now on, microphone will detect every noise you make. Oh, done. तो मेरे को शोर नहीं करना है। बट क्यों, मेरे को तो कमेंट्री करनी पड़ेगी ना। Can you help me? तो ये वो वर्ड्स है जो मैं कह सकता हूँ। मैं करता हूँ Can you help me? Cameras will be your third eye. Done, समझ गया। अबे कितनी पागल है तू? मैं बच गया शायद, मैं बच गया। ठीक है डन। बेला कॉल कर रही है, तेरे को मैंने बता दिया ना, कॉल मत कर मेरे को। ओके व्हाट, मिसेस सुजैन 3 साल पहले मर गई थी। बट वो लड़का मुझे क्या कह रहा था? मे बी उसकी आत्मा यहाँ पर घूम रही हो। ओके डन। मिसेस सुजैन जो है ना, वो कुछ साल पहले मर गई है। अब करना क्या है मेरे को भाई? कितना बद्दापन है, मुझे ज्यादा शोर नहीं करना है। कैमराज फिर से चेक करता हूँ, मे बी कैमराज के अंदर मुझे कुछ दिख जाए। यहाँ पर बैठ जाता हूँ पहले। ओके बहुत प्यारा। एंड ये मिस क्रॉलर है कहाँ पर? कुत्ता कहीं से भौंक रहा है फिर से। ठीक है, वो इस घर के ना हर कोने में है एंड कुत्ता कहीं पर भौंक रहा है ना। मैं पहले कुत्ते के पास जाता हूँ, उससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकती है। कुत्ता कहाँ पर है, कुत्ता कहाँ पर? ये क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन है क्या? इन दैट कंट्रप्शन वेयर नाइट्स आफ्टर नाइट अराइवल स्लिपड इनटू स्लीप आवर गेजेस इंटरवेंडेड बीहोल्डिंग आवर चेरिस्टेड टीवी सीरीज जस्ट यू मी एंड आवर बज का। समझ गया, तो मुझे शायद ना टीवी रूम के अंदर जाना है, क्योंकि कुछ टीवी की बात हो रही है ना। पहले वहीं पर जाता हूँ, मे बी मुझे उस कमरे में कुछ क्लू मिल जाए। ओ वेट, यहाँ पर कुछ है।
ओके, मैंने कुछ उठा लिया तो ये एक फोटो का पीस था, बट इसका मुझे क्या करना है? ओह वेट, मैंने लैपटॉप रूम के अंदर ना एक फोटो देखी थी जो कि इनकम्प्लीट थी, मे बी मुझे उसी को पूरा करना हो। ओके वेट, सच में इसको मैं लगाऊं कैसे? लेकिन तो ये किसी की फोटो है, मैं इसको यहीं पर रखता हूं। ठीक है, मैं कैमरास पहले चेक करता हूं, मैं पहले कुत्ते पे नजर रखता हूं, कुत्ता कहां पर है? मिस क्रॉलर भी ना आसपास ही होगी, वो भी यहीं आसपास ही घूम रही होगी, कुत्ता फिर से कहीं पर भौंक रहा है। वेट 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 वेट, मुझे कुत्ते से ना और कुछ क्लू मिल सकता है, क्योंकि कुत्ता जो है ना वो ऐसी चीजें देख सकता है जो कि मैं नहीं देख सकता। एंड इस पूरी घर की जो लाइट थी ना वो फिर से चली गई। ओके वेट, कुत्ता यहाँ पर है, इसको पहले देख लेता हूँ। इन दैट प्लेस वेयर ईच टाइम आई शुड हैव असिस्टेड यू इन अ क्लीनिंग आवर शेयर्ड गारमेंट्स ऑफ द डेली ग्रिम, इफ ओनली आई कुड रिवाइंड टाइम। ओ वेट, कुछ कपड़ों की बात हो रही है, तो जहाँ पर कपड़े होंगे ना मैं उसी कमरे के अंदर जाऊंगा। मुझे एक ये क्या था? मैंने कुछ किया भी नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, समझ गया, आ रहा है मेरे को समझ। मुझे फिलहाल फोटो का एक पीस मिल गया ना, मेरे को तेरा घंटा भी समझ नहीं आ रहा। मैं ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ। कपड़े कहाँ पर थे? वो थे किसी रूम में थे, मेरे को याद नहीं है। कपड़े का कमरा यहाँ से था क्या? ओ वेट, यहाँ पर वो कपड़ों का रूम है, बट यहाँ पर मुझे क्या मिल सकता है? ओ एक और फोटो है। ओके डन, मैंने उसको पिक कर लिया। वापस जाता हूँ लैपटॉप के रूम में, जहाँ पर लैपटॉप मैंने रखा था। नहीं ये नहीं है, ये तो बेडरूम है। चलो, लैपटॉप का कमरा यहाँ से था, एंड मैं इस फोटो को ना यहाँ पर लगा देता हूँ। ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट पजल है। मैं फिर से पहले कैमरा चेक करता हूँ, मे बी वो कुत्ता मुझे और कोई क्लू दे, मेरे को नहीं पता। कैमरा चेक करता हूँ, कुत्ता तो अभी कहीं पर नहीं है। एंड जो मिस सुजैन है ना, ये वही है, ये अभी किचन में घूम रही है, वहां से गायब हो गई, ये हर जगह है। कुत्ता कहीं और पे मतलब भौंक रहा है। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते के पास जाता हूँ, और कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे ये सब करना ही पड़ेगा ना। लेकिन थोड़ी बहुत ना दौड़ मार लेता हूँ। कहाँ पर कुत्ता है? कुत्ता लेफ्ट साइड से, मतलब कि इस वाली गली में। उसको कुछ और मिला है, ठीक है, उसको पहले देख लेता हूँ। मिला क्या तेरे को? हो रही नहीं, मुझे बिल्कुल भी शोर नहीं करना है। ठीक है डन, यहाँ पर कुत्ता है। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ लिखा है। देयर वेयर आई वेल्ड टू लॉन्ग क्राफ्टिंग आर्ट विद लेबर येट डिस्ट्रॉइंग अस इन द प्रोसेस। आर्ट की बात हो रही है, मतलब कि जहाँ पर पेंटिंग थी। ओ वेट, मैंने पेंटिंग कहीं पर देखी थी ना, हाँ वो लैपटॉप रूम में थी। ठीक है डन, यहाँ से नहीं है, उस पर कुछ हो सकता है। मैं फिर से रास्ता भूल गया, ये सब मुझे नहीं करना है। बट वेट, लाइट ब्लिंक कर रही है, बाढ़ में जाए। मेरे को थोड़ी बहुत ये गेम समझ आ रही है कैसे खेलना है इसको। ओके डन, यहाँ पर भी वो एक पेंटिंग का टुकड़ा है, तो लाइट बंद करता हूँ पहले। इसको मैं उठाऊं कैसे? ओ ये सच में किसी का चेहरा है। डू समथिंग, वो कुछ नहीं कर रही है। इसको मैंने पिक कर लिया, इसको भी ना यहाँ पर मैच करवा देता हूँ। ये किसी का चेहरा बनता है, ठीक है, नहीं चेहरा भी नहीं आ रहा है। ओके कुछ ऐसे लगाना है मेरे को, समझ आ रहा है मेरे को, ये लग जाएगा यहाँ पर। पर करता हूँ इसको, इसका चेहरा मैंने लगा दिया। मैं पहले ना फिर से कैमरा चेक करता हूँ, वो कुत्ता ना फिर से भौंकेगा, क्योंकि अभी इस फोटो का एक पीस ना पेंटिंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी देख लूंगा क्या कुत्ता कहीं पर भौंक रहा है। ओके कुत्ता फिर से भौंक रहा है, मैं जा रहा हूँ। कुत्ता भौंक रहा है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूंगा। कुत्ता कहाँ पर है? वो शायद निचले वाले फ्लोर में भौंक रहा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। नहीं वेट, वो इस वाले कमरे में है। क्या लिखा है अब? इन दैट प्लेस वेयर आई नेवर ट्रूली एग्जिस्टेड वेयर वी कुड हैव फॉरगॉट कंटिन्यूअस क्यूलिनरी मेमोरीज। मतलब इसकी मुझे मीनिंग समझ नहीं आई। नहीं मैं ग्राउंड फ्लोर चेक करता हूँ, मे बी वहां पर मुझे कोई क्लू मिल जाए। लिटरली जैसे इसने कहा है ना, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर होगा। मे बी किचन में कुछ हो, किचन में कुछ है क्या? ओ यहाँ पर एक और फोटो है, इसको पहले उठा लेता हूँ। डन, मैंने ये पिक कर ली। इसको मैंने पहले देखा था बट मैंने इसको इग्नोर किया, मेरे को अब याद आया ना। ऊपर जाता हूँ सीधे, डरने का भी, ओ डरने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ी बहुत ना वो वॉइस बढ़ा देता हूँ अपनी, ठीक है, तो अब जाके मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। मुझे हर कोई पीस मिल गया, किसी ने लाइट बंद कर दी, हाँ वही है। ठीक है डन, एक छोटा सा पीस लाता हूँ पहले, लाइट ब्लिंक कर रही है। हाँ पता है मेरे को, पता है मेरे को, शायद इस फोटो का ना एक और पीस मिसिंग है। तो मैं कैमरा फिर से देख लेता हूँ, मे बी वो कुत्ता फिर से भौंकना स्टार्ट कर दे एंड मुझे इसका लास्ट वाला पीस मिल जाएगा। ठीक है, बट मुझे अभी नहीं पता क्या मुझे इसका नेक्स्ट पीस ढूंढना है कि नहीं। ओके कुत्ता भौंक रहा है, समझा मैं। कुत्ता जी मैं आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। वो शायद से ना उस बड़े वाले कमरे के अंदर है, हाँ वो इसी कमरे के अंदर है। अब यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर कुछ और लिखा है, इन दैट रेलिम वेयर यू नो। अरे
अरे यार इतना सब करने के बाद ये कैसे हो जाता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मेरे को। उस पर कुछ तो लिखा था, मैं पढ़ने ही वाला था ना, प्रॉब्लम हो गई एंड टाइम पे। ओके डन, ओके यहाँ पर कुछ लिखा था, इसको पहले पढ़ लेता हूँ। इन दैट रिलियम वायर यू न्यू टू रेड यू आर अ फ्लॉलेस ब्यूटी टेंडरली एनवाइटेनिंग योर स्किन विद फ्रेगनेंट एक्सेलर्स यूर ओन मॉइस्चराइज्ड हैंड्स। मैं समझ गया बाथरूम की बात हो रही है, तो मुझे बाथरूम के अंदर जाना है क्योंकि हम हाथ वाथ ना वहीं पर धोते हैं, एंड कुछ मॉइस्चराइज्ड हैंड्स की बात हो रही थी ना, तो मैं पहले ही समझ गया था। ठीक है तो बाथरूम के अंदर जाता हूँ, तो मुझे वहां पर भी ना कुछ कीड़ू मिल जाएगा। बाथरूम कहाँ से था, ठीक है यहाँ पर संडास है, संडास के अंदर मुझे क्या मिल सकता है देख लेता हूँ। वेट मुझे एक और फोटो मिल गई, डन मैंने वो उठा ली, वो कहीं गायब हो गई, कोई बात नहीं। एंड अब जाके ना मुझे सारे पीसेस मिल गए फोटो के, अब तो शायद से कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो पहले अपने रूम के अंदर वापस जाता हूँ। यार लाइट नहीं है, पहले लाइट ऑन करता हूँ। हाँ अब मेरे को प्रॉपर दिख जाएगा। ओके वेट ये यहाँ पर आ जाएगा, डन इसको मैंने लगा दिया। तो ये वो मेरे पीछे ही है, वो मेरे पीछे ही है, वो मेरे पीछे ही है। अब ये फोटो पूरी नहीं है, कैमराज में मुझे फिर से चेक करने पड़ेंगे। डन अब कुत्ता कहीं पर नहीं भौंक रहा है, ठीक है मेरे पीछे कोई डायन नहीं है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? ओ, वो मेरे पीछे है। अरे यार एक एक पीस करके मैंने कितने पीस जमा कर लिए। क्या लिखा है, इन दैट प्लेस वेयर इट ऑल एंडेड एंड आई वंडर इंसेंटली सीकिंग यू माय लव। मतलब माय लव समझा नहीं, प्यार मोहब्बत का चक्कर है बाबू भैया, मे बी यहाँ पर हो, मतलब क्या है उसका, मतलब कि वो जो फोटो का पीस है ना वो किसी ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्यार मोहब्बत कर रहे थे। प्यारी समझ गई, मे बी यहाँ पर हो क्योंकि बेडरूम है ना, एंड बेडरूम के अंदर ही वो प्यार मोहब्बत हो जाता है। और अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है नहीं दिखा मेरे को, नहीं कहीं पर भी नहीं है, फिर वो कहाँ पर हो सकता है, तो फिर करूँ क्या मैं? वेट वो वहाँ पर है, ठीक है जस्ट वेट अ सेकंड, ये ब्लड कहाँ से आ गया? वेट पहले यहाँ पर ब्लड नहीं था ना, मैंने वाटर पाइप सुनी थी, ये ब्लड पाइप कहाँ से आ गई? यहाँ पर कुछ तो लोचा है, लाइट ऑन करता हूँ। एंड ये यहाँ से कहीं जा रही है, दरवाजा ओपन करता हूँ। ओह वेट मुझे एक और फोटो का पीस मिल गया, इसको उठाता हूँ। अब फोटो पूरी हो गई, अब सीधे ऊपर जाता हूँ, अब मैं इस फोटो को ना पूरा कर दूंगा। अभी कैसे लग जाएगा, ठीक है डन, ठीक है इसको मैं इस एंगल में लगा देता हूँ, डन। एंड इसको मुझे कैसे लगाना होगा, ओके ऐसे है, मैंने फोटो पूरी कर दी। ओ, इसका नाम क्या है, HOLTOM, M नहीं है N है, HOLTON, होल्टन, गूगल करता हूँ, HOLTON सर्च मार लेता हूँ। हीरो शेयर ब्रेवरी 40 years सिंस द डेयरिंग रेस्क्यू इन पेनेंसिविलियाना। ओके तो ये कोई शेरिफ था, ठीक है इसी की बात हो रही है। शेरिफ वो होता है ना, उसके पास एक गन होती है, टोपी होती है। बाहर से कोई घंटी बजा रहा है, बाहर कोई है क्या? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मुझे ज्यादा शोर भी तो नहीं करना है ना, वो कहीं से भी आ सकती है। हाँ आ रहा हूँ, दरवाजे पे कोई है, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। डन ये कौन है बे? इसका फेस ब्लर आ रहा है। Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents who requested an investigation. Maybe iska neighbor ho koi. Ha, maine bhi wahi suna, wo mar gayi thi 3 saal pehle. Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of making. Ek upar karta hu. The new residents are concerned and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Investigation chal rahi hai na, woh log ke patte. Ab bhai chhota yaar, mere ko investigation karne dena. Kyun pagal kar raha hai tu? Thank you so much. Pareshan kar diya isne mujhe. To yahan par koi mujhse milne aaya tha. Keh raha tha ki yahan par ye noise kaise aa rahi hai. To maine filhal isko sara scene explain kar diya. Ab mujhe karna kya hai? Literally maine sara dekh liya. Maine sab theek kar. Wait. ओह नो, सर्किट बोर्ड ही जल गया। अब मैं करूं क्या? तो मुझे अब इस सर्किट बोर्ड को ना शायद ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो फ्यूजेस थे ना वो जल गए हैं, ठीक है। एंड उन फ्यूजेस को मुझे कुछ ऐसे लगाना है जैसे ये बोर्ड में दिखा रहा है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 फ्यूजेस ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर पहला फ्यूज है, इसको पहले पिक करता हूँ। मुझे पहला फ्यूज मिल गया।
पर उस मैंने कुछ फ्यूजेस ढूंढ ले एंड मुझे अब उन फ्यूजेस को ना इस फ्यूज बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो ठीक है डन, मैंने सारे फ्यूजेस लगा दिए एंड पूरे कमरे के अंदर ना वो बिजली वापस आ गई। बच गया यार, अब मैं ऊपर जाऊंगा। उसने मेरे को देख लिया। साइलेंस, हाँ ठीक है। बेडरूम के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने प्रॉपर देख लिया। ओके वेट, कोई आ रहा है बाहर से? कौन है बे? आई मीन द ऑपरेसर और लूज एवरीथिंग यू हैव अनकवर्ड। इसको मुझे मारना पड़ेगा। ओ वो रहा, ये है कौन? गया कहाँ? उसके पास एक शॉर्ट गन है। अरे बाप रे यार, ये आया कहाँ से? अरे बाप रे, क्या मार रहा है, क्या मार रहा है? वेट, पीक ले रहा है तू? हाँ रीलोड कर रहा है वो। ये मर क्यों नहीं रहा? मैंने इस पे इतनी गोलियां मार दी ना, बट ये ऊपर नहीं आएगा शायद, जहां तक मेरा अंदाजा है, वरना ये ऊपर आ जाता। ओके ऊपर आ रहा है, चलना बाहर आ। अरे बाप रे यार, ये वही शर्फ है हमने जिसका नोट पढ़ा था। वो लाइट बंद कर रहा है, उस पर पड़ी। इसको मारना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो नीचे चला गया, ठीक है डन, वो नीचे है। मर, आ रहा है, 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 आ रहा है। मैं इस पॉइंट पे आके इस गेम को नहीं हारना चाहता। एक सेकंड, ये भूतनी मेरे पीछे पड़ गई ना। ओ यहाँ पर है, अबे गया। अब तेरी होगी पिटाई। आ भी मर जा, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा। ओके उसकी गन शायद नीचे गिर गई, अब तो पिटने वाला है। ओके डन, हमने उसको मार दिया। इसका खून बह रहा है, मेरे को शायद नीचे जाना पड़ेगा। अब मुझे इस घर से बाहर निकलना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बंदे को मार दिया, मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन दरवाज़ा है, ये बंद है, तो करूँ क्या मैं अब? वेट, व्हाट द हेल, ये क्या हुआ? मैं कहीं टेलीपोर्ट हो गया? ओ इसके नीचे दो डेड बॉडीज है, व्हाट द हेल, डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये उसी की जिसकी आत्मा घूम रही थी ना इस घर के अंदर, ये उसी की डेड बॉडी थी शायद। इन अ स्टनिंग रेवलेशन डिटेक्टिव वॉट एंड रिवील्ड द डार्क ट्रूथ बिहाइंड द ट्रेजिक डेथ्स ऑफ मिस हुसैन एंड हर हस्बैंड। ठीक है, तो ऐसे उनको मारा गया था, तो ये सब ना शेरिफ कर रहा था, बट एट द एंड वो मारा गया। लेकिन गेम बहुत ज्यादा मतलब खौफनाक थी, बहुत डरावनी थी। मिस हुसैन फार फ्रॉम टॉकिंग हर ओन लाइफ एज अ फैब्रिकेटेड रिपोर्ट सजेस्टेड वॉज फाउंड टू हैव बीन प्रेग्नेंट व्हेन द कॉर्नर एग्जामिन्ड हर बॉडी। लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ी गेम थी एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो आप नीचे लाइक का बटन दबा देना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।